तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। ये मेरे बल का 5वां दिन और आज तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने प्रोटीन से रिलेटेड कुछ चीज शेयर करने वाला है। तो कम अभी जो तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा है भाई, वो है वे ओरिजिनल प्रोटीन। इसमें मिलता है 24 ग्राम प्रोटीन। इस चीज को तुम्हारा भाई आज खाने वाला है ओट्स के साथ। तो कम 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 तो सबसे पहले लेंगे 100 ग्राम ओट्स एंड उसके बाद वे ओरिजिनल प्रोटीन 24 ग्राम जिसमें मिलता है भाई। तो भाई इसका स्वाद भी काफी हद तक अच्छा है, काफी अच्छा स्मेल कर रहा है। पता नहीं किस फ्लेवर का है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। वे प्रोटीन को इसमें डालने के बाद तुम्हारा भाई चलेगा कुकिंग। प्रोटीन डालने के बाद भाई आज तुम्हारा भाई उसको कुक करने जा रहा है। तो सबसे पहले उसमें कुछ दूध डालेंगे, उसके बाद तुमको बताएंगे कि इसके खाने के बाद कैसा लगता है। तो भाई इसमें अभी मैं दूध डालना चालू कर दिया हूँ। उसको दूध डालने के बाद तुम्हारा भाई तुमको बनाने के बाद दिखाएगा। तो चलो मिलते हैं बनाने के बाद। तो फाइनली गाइस, मेरा हाई प्रोटीन ओट्स बनके तैयार हो चुका है। और भाई खाने से पहले इसमें डालेंगे लास्ट में एक केला। तुम्हारा भाई हाई प्रोटीन ओट्स खाने के बाद आज ट्रेन करने वाला है तुम्हारा भाई बैक और बाइसेप्स। तो ये वो चीज है भाई, देखने में काफी टेस्टी लग रही है और आज तुम्हारा भाई ये खाएगा। और सुबह ही हमने काफी 40 ग्राम के नियर अबाउट में प्रोटीन ले लिया था। आगे ब्लॉक में बने रहो, अभी तुम्हें और भी हम तरीके बताएंगे प्रोटीन इनटेक पूरा करने के लिए एक दिन में 120 ग्राम के नियर अबाउट में। तो आओ अभी इसको खाने के बाद मिलते हैं। उसको खाने के बाद हम निकल जाते हैं जिम की तलाश में। मतलब जिम करने निकल जाते हैं भाई, जिम करने के लिए हम यहाँ से निकल जाते हैं रूम से। तो आओ, वहां पे हम करने वाले हैं 4-5 वीडियो शूट, क्योंकि हम कल घर निकलने वाले हैं। तो कम से कम 4-5 वीडियो मेरे को चाहिए और वहां पे ब्लॉग भी शूट करेंगे इस वीडियो का, जिसमें बोल रहे हैं इस वीडियो का। तो आओ चलते हैं जिम। जैसा कि तुम्हें पता है, हम लोग जिम में आ चुके हैं और तुम्हारा भाई बैक और बाइसेप्स करने वाला है। तो फिर आओ जल्दी दिखाते हैं। तुम लोग पीछे देख सकते हो, शूटिंग का हम लोग सारा सामान लेके आ चुके हैं। कुछ वीडियो बनाएंगे ब्लॉगिंग के लिए। भाई ये मत करना जिम में। जिम में आते ही सबसे पहले किया जाता है वार्म अप। आज मेरा बैक और बाइसेप्स है, वार्म अप करके दिखाता हूँ। इस वाले वर्कआउट से तुम करना वार्म अप, उसके बाद बैक की पहली वर्कआउट। तो बैक की मेरी पहली वर्कआउट तुम्हारे सामने है। देखो भाई, ये 100 kg है और 100 kg मारना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन मेरे बस की बात है। तो मैं तुम्हें मार के दिखाता हूँ। फॉर्म और टेक्निक सही होना चाहिए। और ये यहां पे ला के भाई होल्ड कर सकते हो थोड़ा बहुत। फिर ये वर्कआउट। देखो मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा भाई कि तुम 100 से मारो, क्योंकि ज्यादातर ये होता है ना कि हैवी वेट होता है तो फॉर्म और रिपीटेशन खराब हो जाता है भाई। जैसे कि एक या दो सही करोगे लेकिन लास्ट में खराब हो जाता है। तो कमी वेट मारो और अच्छे से मारो। तो स्वागत है मेरे दूसरे वर्कआउट में। ये है दूसरी वर्कआउट। हालांकि 15 kg है, तुम थोड़ा कमी वेट से मारना अगर बिगिनर हो तो। मैं ट्राई करता हूँ। मैं ये इस फॉर्म में आना और ये यहाँ पे होल्ड करो। ये देखो, कोई भी वर्कआउट करो लास्ट में थोड़ा सा समय दो उसमें, मतलब थोड़ा सा होल्ड करो, थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए होल्ड करते जाओ। उससे क्या होता है ना कि मसल ज़्यादा तेजी से ग्रो होता है। तो होल्ड करना सीखो, रिपीटेशन भी लगाओ अच्छा खासा और गान बनाओ। बैक की तीसरी वर्कआउट रोइंग मशीन। ये वर्कआउट भाई तुम्हारे बैक के लिए सबसे सटीक पोजीशन पे लाता है। जैसे होता है ना शेप मिलाना, उस तरह का ये वर्कआउट है। और तुझे मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ। अबे यार, ये तुम इससे पकड़ के भी कर सकते हो, इससे भी पकड़ के कर सकते हो। मैं इससे पकड़ करूंगा। ये देखो, ये पोजीशन गया। बैक शोल्डर को थोड़ा डाउन करो, ये होल्ड करो थोड़ा सा, फिर ये फॉर्म आगे परफॉर्म करो, फिर ये होल्ड करो थोड़ा सा, फिर आगे परफॉर्म करो। ये वर्कआउट वाकई बैक के लिए बहुत ही बढ़िया है। तुम इस वर्कआउट को कंप्लीट कर सकते हो। और भाई लुक एट माई न्यू फ्रेंड, काफी दिन के बाद मिला है। और भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। मैंने 2-3 दिन पहले किया था, बहुत ही अच्छा आ रहा था।
तो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। काफी तगड़ी आती है यार इससे, मुझे जहां तक लगता है ये यहाँ पे ला के होल्ड करो, फिर ये नॉर्मल। मैं इतना स्पीड से कर रहा था मुझे नहीं लग रहा था वीडियो बन रहा, लेकिन कोई ना वीडियो बन रहा भाई। तो ये देखो ये फॉर्म है, ये अरे भाई तुम कोटे लग गए भाई। चल कोई ना कोई ना कोई ना काट दे। तो ब्लॉक हो गया कंप्लीट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।